नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चोगामा की आवाज। श्री राम ने लक्ष्मण संग किया ताड़का का वध। मुजफ्फरनगर स्थानीय कलाकारों द्वारा स्थापित और संचालित श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति पटेल नगर के द्वारा आयोजित 48वें श्री रामलीला महोत्सव में चौथे दिन ताड़का वध एवं फुलवारी लीला का सुंदर और ताड़का राक्षसी के भयभीत स्वरूप के साथ रोमांचकारी मंचन किया गया। वहीं कलाकारों ने ताड़का वध की लीला को अपने उत्कृष्ट अभिनय प्रदर्शन से जीवंत बना दिया। जब भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मिलकर एक ही बाण से राक्षसी ताड़का का वध किया तो पूरा प्रांगण जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान हो गया। देखिए, श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति रजिस्टर्ड पटेल नगर इस वर्ष ये 48वां रामलीला महोत्सव मना रही है। आज ताड़का वध की लीला का आयोजन पटेल नगर रामलीला के स्थानीय कलाकारों के द्वारा यहाँ पर जनता के सम्मुख पेश किया गया और जितना अपार जन समर्थन और अपार भीड़ पटेल नगर रामलीला को देखने के लिए आ रही है, आप भी देख रहे होंगे। केवल मंडी क्षेत्र से नहीं, पूरे मुजफ्फरनगर से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी। अभी मुझे एक सज्जन मिले थे, वो मंसूरपुर से ट्रॉली भरकर यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आए हैं। तो हमें भी इस बात से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे कलाकारों का भी मनोबल बढ़ता है। तो किस श्रद्धा भाव से इतनी भीड़ होने के बाद पूरे शांत स्वभाव से जनता रामलीला का दर्शन कर रही है। आज श्री आदर्श रामलीला भवन सेवा समिति का 48वां श्री रामनवमी रामलीला महोत्सव चल रहा है और आज ताड़का वध की लीला का भव्य मंचन हो रहा है। अपार भीड़ है, आप देख ही रहे होंगे, आपने भी देखा है कि कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं बच रही है और अव्यवस्था होना संभव है। ऐसे में ही अव्यवस्था होती है और कार्यकर्ता कमेटी के लोग कलाकार सब बहुत मेहनत से इस व्यवस्था को बनाए हुए हैं। हम भी स्टेज को व्यवस्था से संवारने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु हमारे परिवार के लोग और आपके परिवार के लोग ये तो रहते ही हैं। भीड़ हो रही है तो जब भीड़ में ऐसा संभव है कि कुछ ना कुछ शोर शराबा होता ही रहता है। मुख्य अतिथि हैं जैसे हमारे सीए साहब हैं शीतल जैन जी, अमरचंद जैन जी हैं, बड़े व्यापारी हैं, और अरुणा शुगर के हमारा भतीजा है अभिषेक सिंगल। ओ बस, और तो सब लोग हम रामलीला वाले ही हैं। ये सब कलाकार हम सब यहीं के घर के कलाकार हैं और ये इतने साल हो गए हैं, जैसे 47 साल पूरे हो गए हैं, 48वां साल चल रहा है। ये सब यहीं से उत्पन्न हो रहे हैं, रामलीला से उत्पन्न हो रहे हैं और यही मोहल्ले के क्षेत्र के हमारे बच्चे भी हैं, उनमें हमारे बालक भी हैं, पुत्र है हमारा, पोत्र है हमारा, और ऐसे कलाकारों के पुत्र पोत लगे हुए हैं सब। और यहाँ पर एक बहुत खास बात है, ये श्री आदर्श रामलीला मंच कलाकारों द्वारा स्थापित और कलाकारों द्वारा संचालित मंच है। 1976 में पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा मान्य रवि मित्तल जी ने अपने साथी कलाकारों के साथ इस मंच की नींव रखी थी और जब से आज कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है। अध्यक्ष कलाकार हैं, सेक्रेटरी कलाकार हैं, मैं तो कलाकार हूँ ही, और विकल्प जैन भी कलाकार है। समय ना मिल पाए चाहे किसी को, लेकिन कलाकार सब हैं। एक जितेंद्र कुच्छल को छोड़कर इस मंच पर कोई ऐसा नहीं है जो कलाकार ना हो, सब कलाकार है। पूरी कमेटी कलाकारों से निर्मित है। भीमसेन कंसल तक भी कलाकार हैं, उन्होंने भी बहुत साल मेघनाथ का और मैं रावण बनता था हाथों में, बाणासुर बनते थे, बहुत अभिनय किए हैं। तो अब जरा समय का अभाव है तो मैं लोग नहीं आ पा रहे, हमारे पास समय है, हम लगे पड़े हैं।